सत श्री अकाल जी, इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ नीलम शर्मा, बुलेटिन का आगाज करांगे। तीन खेती कानूनों के विरोध में किसान अज सड़कों पर नितरे। दिल्ली में किसानों के अंदोलन के 7 महीने पूरे होने तो बाद किसान संयुक्त किसान मोर्चा वालों राजपाल को मांग पत्र देने के दिते सदे तहत हरियाणा ते पंजाब तो वड्डी गिणती में किसानों ने चंडीगढ़ वल कूच किया। मोहाली ते पंचकूला वड्डी गिणती में किसान जुटे। किसानों नूं रोकण लई पुलिस वालों वड्डे पद्धर ते इंतजाम किए गए सन। ये तस्वीर में तुसी वेख सकते हो कि किवें किसानों की वड्डी तादाद पुलिस प्रशासन उपर भारी पैंदी नजर आ रही है। पंचकूला में हालात कुछ समय लई बेकाबू हो गए जदों चंडीगढ़ वाले वध रहे किसानों नूं रोकण लई पुलिस ने बैरीकेड लगा दिते। किसान बैरीकेड तोड़ अगे वधे ते पानी दीआं बुछाड़ां नाल किसानों नूं रोकण की कोशिश भी की गई। ये तस्वीर तुसी वेख सकते हो, बैरीकेडिंग तोड़ी गई, ट्रैक्टर मार्च किया गया किसानों वालों, तो एंबूलेंस भी फसी नज़र आई। तो उस तो बाद हाईवे जाम किया गया किसानों वालों। अपने हकों लई डटे ने किसान, ते अज देश भर में राजपाल नूं मंग पत्र सौंपण लई इकट्ठे होए सन। इसे तरह चंडीगढ़ गवर्नर हाउस वल जाण नूं भी पंजाब ते हरियाणा दे किसान इकट्ठे होए ते बैरीकेडिंग तोड़ अगे वधे। हालांकि चंडीगढ़ दे डीसी नूं मंग पत्र सौंपिया गया पर बैरीकेडिंग तोड़ अगे वधदे नजर आए। बार्डरों दीआं तस्वीरां ने जिथे किसानां ने प्रदर्शन किया ते हाईवे जाम भी कर दिता। कोटकपुरा गोलीकांड मामले में अकाली दल मुखी सुखबीर सिंह बादल की SIT के सामने पेशी हुई है, पर इस पेशी तो बाद पंजाब की सियासत पक गई है। श्रोमणी अकाली दल इस नूं सियासी साजिश दस रहा है जिसका मकसद अकाली दल नूं बदनाम करना है। चंडीगढ़ सैक्टर 32 में SIT ने सुखबीर सिंह बादल सामने सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट रखी, पर अकाली दल का कहना है कि कैप्टन सरकार दिल्ली तो आए हुक्मां दे आधार ते अकाली दल नूं बदनाम करन लई एक साजिश तहत ये सब कर रही है। जिक्र खास है कि SIT ने इस तों पहला लंघी 22 जून नूं साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तो भी पुछगिछ की सी, ते अज सुखबीर सिंह बादल तो पुछगिछ हुई। चंडीगढ़ के सैक्टर 32 विच पुछगिछ हुई, SIT ने समन किया सी। ते कोटकपुरा गोलीकांड मामले विच वख-वख सवाल पूछे गए ते इस तो बाद SIT दे सामने सुखबीर बादल दी पेशी हुई। लंबे समय तक पूछगिछ जारी रही। कोटकपुरा गोलीकांड मामले विच ए पूछगिछ सुखबीर सिंह बादल तो की गई। समुची अकाली लीडरशिप भी मौजूद रही। बीते दिन ही सवाल चुके गए सी अकाली दल वालों SIT ते। कोटकपुरा गोलीकांड मामले में पूछगिछ हुई, सुखबीर सिंह बादल तो 22 जून नूं साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तो पूछगिछ की गई सी। खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण लई दिल्ली सरहदां ते किसानां नूं बैठे हुए 7 महीने हो गए ने। अज 7 महीने हो जाण दे बाद किसान डिप्टी कमिश्नर दफ्तर बार किसानां वल्लों मोदी सरकार दा पुतला फुकिया गया ते उत्थे ही किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वल्लों मंग पत्र भी सौंपिया गया। किसानां ने मोदी सरकार दा पुतला फुकिया ते DC नूं मंग पत्र सौंपिया है। ये तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने हुशियारपुर विच मंग पत्र सौंपया है ते अज 7 महीने पूरे होए ने। किसान लगातार 3 खेती कानून नूं रद्द करवाउणा चाहुंदे ने ते उहनां दा संघर्ष लंबे समय तो जारी है। अक्तूबर तो पंजाब विच जारी है ते नवंबर तो दिल्ली दीआं बरूहां ते किसान लगातार डटे होए ने। पंजाब सरकार वालों सफाई मुलाजमान नूं पक्का करन दा नोटिफिकेशन जारी किया गया। उस नोटिफिकेशन नूं गलत करार देंदे हुए सफाई कामियां ने प्रदर्शन करदे हुए नोटिफिकेशन दीआं कापियां साड़ के गुस्सा जाहर किया। मुलाजम प्रधान ने कहा कि नोटिफिकेशन विच सरकार ने अपने चहेतियां नूं पक्का करन दी कवायद शुरू की है। यह हड़ताल अणमिथे समय लई जारी रहेगी। बरनाला विच सफाई कामियां दी यह हड़ताल लंबे समय तो सूबे विच सफाई कामियां दी हड़ताल चल रही है। थां थां ते कूड़े दे ढेर लगे हुए ने ते
अज नोटिफिकेशन दियां कापियां साड़ के बरनाला विखे प्रदर्शन किया गया। इन्हां दियां कुछ मंगां ने हुण तक सरकार ने इन्हां दी सार नहीं ली है ते सूबे विच वक्-वक् थावां ते कूड़े दे ढेर वेखे जा सकदे ने। केंद्र सरकार वालों लागू किए गए खेती कानूनों के विरोध में किसान जथेबंदियां लगातार संघर्ष कर रही ने। खेती कानूनों के विरोध में किसान जिथे पंजाब 1 अक्टूबर तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उत्थे ही 26 नवंबर तो किसान दिल्ली के वक्-वक् बार्डर से किसान सरकार खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में किसान संघर्ष के 7 महीने पूरे होने पर 26 जून 1900 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वालों एमरजेंसी लगाई गई सी 1975 उसका भी विरोध किया गया। उसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चे वालों बरनाला शहर की अनाज मंडी रोस रैली का आयोजन किया गया। इस रोस रैली में बड़ी गिनती महिलावां भी शामिल हुई। बरनाला दी तस्वीर ने सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। किसानों वालों लगातार संघर्ष जारी है, 3 खेती कानूनों का विरोध किया जा रहा है। तो अज 26 तरीक किसानां नाल जुड़ी हुई, पंजाब नाल जुड़ी हुई ते एमरजेंसी भी लाई गई थी, उसका भी विरोध किया गया। इस रैली में महिलावां भी वड्डी गिणती में शामिल हुई, सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। बरनाला दी अनाज मंडी दी तस्वीरां जिथे रोस रैली की गई ते सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। 3 खेती कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन लगातार किसान जथेबंदियों का जारी है। श्री मुक्तसर साहिब विच एक बजुर्ग महिला की मौत तो बाद लाश खोण के मकसद तो बजुर्ग के कतल की कथित आरोपी नूह ने अपने जेठ के घर धावा कर दिता। मामले में पीड़ित पक्ष ने दसिया कि छोटी नूह वालों 14-15 जून को कुटमार कर गंभीर जख्मी करन दे 1 हफ्ते बाद बजुर्ग महिला की शक्की हालातों में मौत हो गई। कुटमार के मामले में 1 हफ्ता पहला पुलिस ने शिकायत देने ते अधिकारक तौर पर कोई कार्रवाई ना होने का मामला सामने आया है। श्री मुक्तसर साहिब का यह मामला पुलिस वालों कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये इल्जाम लगाए गए ने। पीड़ित परिवार ने इल्जाम लाए गए ने ते छोटी नूह ते कुटमार दे इल्जाम लगे ने। महिला की शक्की हालातों में मौत हो गई सी ते 14-15 जून को कुटमार हुई सी, जिसके 1 हफ्ते बाद शक्की हालातों में मौत हो गई सी। ये वीडियो भी वायरल हो रही सी। जलंधर विच दो गुटां विचाले झड़प हो गई। इस झड़प की वीडियो लगातार वायरल हो रही है। जलंधर दी ये तस्वीरां ने तुसी वेख सकते हो दो गुट किस तरह आपस में लड़ रहे ने, किस तरह एक दूजे नूं कुटिया जा रहा है। बचाउण दी कोशिशां भी लगातार जारी है, पर महिलावां भी इस विच शामिल नज़र आ रही ने। मामूली जी तकरार इन्नी वध गई, तस्वीरां तुसी वेख सकते हो किस तरह ये लड़दे हुए नज़र आ रहे ने। फिलहाल कारणां दा नहीं पता लग सकिया है। संगरूर विच मामूली जिही तकरार नूं बदलण लई नौजवानों ने इत्थे शराब दे ठेके ते बैठे करिंदे ते ठेका मालकां दे नाल कुटमार कीती। उत्थे ही 3.5 लाख कैश खोण दे नाल नाल 2 गड्डियां साड़ दिती। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दिती है। ये तस्वीरां तुसी वेख सकते हो गड्डियां दीयां 2 गड्डियां साड़ दिती गई। संगरूर दीयां ये तस्वीरां ने ते ठेके ते कैश खोण दे नाल नाल 1 गड्डियां भी साड़ दिती गई। मामली तकरार सी जो बाद च कुटमार च बदल गई ते फिर गुस्से च एक गड्डियां भी साड़ गईयां। जिला गुरदासपुर के बटाला के नेड़े अमृतसर जम्मू कश्मीर नैशनल हाईवे नू जाम किया गया ते केंद्र सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। उन्हों का कहना है कि लगातार ही पेट्रोल ते डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, जिसका सीधा असर लोगों की जेब ते पै रहा है। उन्हों का कहना है कि पंजाब सरकार ते केंद्र की सरकार नू अपने टैक्स में कटौती करनी चाहिए है, जेकर इदा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। गुरदासपुर दी तस्वीरां ने अमृतसर जम्मू नैशनल हाईवे जाम कर दिया गया ते महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे ने, जिसनों लैके ये रोज़ जाहिर किया गया। विशाल धरना तुसी देख सकते हो, तस्वीर
डीजल ते पेट्रोल दीआं वध रही कीमतां नूं लै के इह धरना प्रदर्शन लोकां वल्लों कीता गया ते सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। अमृतसर जम्मू नैशनल हाईवे नूं जाम कर दिता गया ते महंगाई खिलाफ रोस जाहर करदे होए नज़र आ रहे ने पिंड वासी। झोने का सीजन भी चल रहा है ते जिस तरह डीजल दे भाव वध रहे ने ते किसानां नूं वड्डा नुकसान झलना पै रहा है। किसानां दे संघर्ष नूं दिल्ली दीआं बरूहां ते अज 7 महीने हो गए ने ते किसान अपनी हक्की मंगां नूं लै के दिल्ली दीआं बरूहां ते डटे होए ने। इस बारे गल करदे होए किसान आगू सरन सिंह पंधेर ने कहा कि किसानां दी मंगां नूं केंद्र सरकार अणगोलिया कर रही है ते किसानां नूं मजबूरी दे नाल संघर्ष दे राह ते तुरना पै रहा है। देश विच आ 7 महीने जिहड़े अंदोलन दे पूरे होण दे संबंध विच बड़े जड़े आ रोस मुजाहरे करके मंग पत्र दिते जाने ने तो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी 11 जिलों में अपने डीसी दफ्तर बड़े विशाल रोस मुजाहरे करके अज डीसी राही गवर्नर ते राष्ट्रपति नूं मंग पत्र भेजणगे और उदों तक असीं संघर्ष करदे रहांगे जदों तक यह खेती दे कानून MSP का गरंटी का कानून बिजली स्रोत बिल 220 प्रदूषण वाला एक्ट ते जिहड़े केस पाए ने वापस नहीं ले जाते अंदोलन उदों तक जारी रहेगा। जड़ियां गल्लां गलबात दियां आ रही सरकार की नीयत ते नीति दोनों खुटियां ने वो गल करना नहीं चाहते। गलबात का एजेंडा खेती कानूनों नूं रद्द करन दे विषय नाल ही संबंधित होगा और सरकार की मर्जी आ गल करे चाहे ना करे। दूसरे पासे प्राइवेट खेत्र नूं इस तरीके नाल बढ़ाया जा रहा वा जिवें सारियां चीज़ां चाहे हवाई खेत्र होवे चाहे रेल का आवाजाई के साधन हो रोडवेज होवे सेहत होवे सिक्ख्या होवे इस तरीके ना बीमा खेत्र होवे पेट्रोलियम दा खेत्र होवे सारा कुछ बेचा गया तो इहदे विरुद्ध भी केंद्र सरकार वालों जो खेती कानून पास किए गए ने उन्होंने रद्द करवाउण दे लई किसान जथेबंदियां लगातार संघर्ष कर रही ने। अज संयुक्त किसान मोर्चे वालों ऐलान किया गया सी कि 26 जून नूं किसान बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाउणगे ते चंडीगढ़ विच गवर्नर हाउस का घिराओ करनगे ते राष्ट्रपति दे नां मंग पत्र सौंपणगे जिस लई गुरदासपुर तो वड्डी गिणती विच किसानां दा जत्था चंडीगढ़ लई रवाना होया ते उत्थे पहुंचिया ते किसानां ने कहा कि जदों तक खेती कानून रद्द नहीं होंदे उन्हां दे ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੀ ਕੰਤ ਜੂਨ ਸਰਕੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਆ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਆ ਇਹ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਆ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਉਹ श्री मुक्तसर साहिब विच वक वक ब्लॉकां ते तहसीलां दी पंजाब सरकार दे निर्देशां ते चलाए जा रहे ओट क्लिनिकां तो हजारां लोग नशा मुक्त हो चुके ने। नशा मुक्त पंजाब बनाउण दीआं कोशिशां लगातार जारी ने। श्री मुक्तसर साहिब दीआं तस्वीरां ने जिथे ओट क्लिनिक्स ने इस सूबे वल्लों सूबा सरकार वल्लों इह पहल कीती गई है पंजाब नूं नशा मुक्त बनाउण लई इक बड़ी स्कीम है ते उस तों अलावा इह ओट्स क्लिनिक ने जिथे नशे तो मुक्ति लई उन्हां नूं भेजा जांदा है जिहड़े जिन्हां नूं आदत हो गई है नशे दी ते ओह इस तों छड्डना चाहुंदे ने। स
सब डिवीजन जैतों के ओट सेंटर वालों अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस मनाया गया, जिसनों लैके इस मौके लोगों नशे छड़न जागरूक किया गया। इस मौके ओट सेंटर जैतों के इंचार्ज ने कहा कि नशा एक अजिहा कोड है जिसने सारे समाज को झंझोड़ के रख दिता है। उन्होंने कहा कि नशे को जड़ तो खत्म किया जा सकता है, तो समाज के लोगों को चाहिए कि नशा मुक्त होने में सहयोग करन। ये अपील की गई है जैतों में। हस्पताल दी तस्वीरां तुसी वेख सकते हो। अंतरराष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस, नशा विरोधी दिवस अज मनाया गया है। सूबे में वख-वख थावां ते अपील की गई किस तरह नशा छड़ सकते हैं। इस दी थीम भी सी नशा विरोधी दिवस दी कि अपने विचार सांझा करो, ते जेड़े भी भरम है नशे नू लेके, ते जिन्नी ज़्यादा तो ज़्यादा जाना बचाई जा सके जाना बचा दो। ये जैतों दी तस्वीर ने जिथे ओट सेंटर्स ने लोगों नू नशे तो बचाने लई 26 जून नू हर साल अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस 26 जून 2021 बठिंडा विखे मनाया गया। इस मौके SSP बठिंडा भुपिंदर सिंह विर्क ते बठिंडा शहर दे लोकां नाल मिल के साइकिल रैली कढ़ी गई। इस मौके SSP ने लोकां नू अपील की कि जे तुहानू नशा तस्करी बारे पता लगता है तो उस बारे पुलिस नू इतला दी जाए, जिस नाल नशा तस्करां खिलाफ कार्रवाई हो सके। इस साइकिल रैली कढ़ी गई, बठिंडा दी तस्वीर ने SSP बठिंडा ने लोगों नाल साइकिल रैली कढ़ी। पुलिस प्रशासन के भी काफ़ी अधिकारी इत्थे नज़र आए, तो इन्हां नू जागरूक किया गया। 26 जून जिस तरह बठिंडा के नशा विरोधी दिवस मनाया जा रहा है, साडे नाल डॉक्टर बराड़ ने उन्होंने गलबात करांगे की कहना उन्हों का इस जो अज रैली महापूर्ण रैली कढ़ी गई है की कहना उन्होंने। हाँ जी बराड़ साहब, स्वागत है इंडिया न्यूज। मेहरबानी जी, बहुत बहुत। अज जिवें कि तुसीं जानदे हो 26 जून इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग ते ड्रग अब्यूज़ दे अगेंस्ट 1987 तो UN वालों डिकलेयर किया गया सी, इह हर साल मनाया जांदा है। अज बठिंडा पुलिस वालों एक उपराला किया गया सी इस जिहड़ी बीमारी है ड्रग्स की जिहड़ी प्रॉब्लम इहदे अगेंस्ट एक रैली ऑर्गेनाइज की गई है। उहदे विच उन्होंने बठिंडा साइकलिंग ग्रुप नूं नाल एसोसिएट किया सीगा, असीं उन्हां दे भी धन्नवादी हाँ। बठिंडा साइकलिंग ग्रुप समय समय से जो भी मतलब सोशल कॉज हुंदे आ उहदे वास्ते रैलीज कढ़दा रहिंदा है, तो सुनेहा दिंदा है पब्लिक नूं कि आपां सारे समाज नूं अग्गे लैके जाइए। अज भी असीं उस मोटिव दे नाल जिला पुलिस दे नाल एक साइकिल रैली कढ़ी है। डॉक्टर साहब, जे गल की जाए जिस तरह नौजवान पीढ़ी जो नशे दे विच चलती जा रही है, उन्होंने की मैसेज देना चाहूँगा? साडा बठिंडा साइकलिंग ग्रुप का मेन यही मोटिव है जी, जे साइकलिंग या किसी भी किस्म की जी एक्टिविटी है फिजिकल एक्टिविटी इस जी ड्रग्स की है जी बीमारी के नाल असी सामना कर सकते हैं। जे चंगी सेहत यही चंगा समाज सिर सकती है। ये जी साडे नाल डॉक्टर बराड़ जिन्हों का कहना है कि जो साइकलिंग दे बठिंडा के प्रधान ने, उन्हों का कहना है कि जो साइकलिंग है ये सेहत लई बहुत ही वधिया चीज़ है, जो साइकलिंग करेगा वो नशे तो ऑटोमैटिक ही दूर होएगा। कैमरामैन शिव नरेश दे नाल कुलविंदर ग्रोवर, इंडिया न्यूज। पंजाब विच एंटी ड्रग्स डे दे दिन पुलिस प्रशासन ते वलंटियरां द्वारा लॉरेंस रोड अमृतसर विखे जागरूकता मुहिम चलाई गई। इस दौरान पुलिस मुलाजम हत्थां विच बैनर लैके सड़कां ते दिखाई दिते, जिस नाल लोकां नूं नशे तो अपने आप नूं बचाउण लई जागरूक किया गया। इस मुहिम विच स्कूली बच्चियां दे पुलिस मुलाजमां ते होर शहर दे लोकां ने हिस्सा लिया ते उन्हां नूं जागरूक किया गया। NCC कैडेट्स भी नज़र आए ते नशे दे खिलाफ इन्हां नूं नशे दे नुकसान दसे गए। अज अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पंजाब मना रहा है। कौमी नशा विरोधी दिहाड़े ते राजपुरा विच जागरूकता सेमिनार करवाया गया। इस मौके हलका घनौर दे विधायक मदन लाल जलालपुर दे सपुत्र ते मैंबर जिला परिषद गगनदीप सिंह जलालपुर ने विशेष तौर ते शमूलियत कीती। इस बारे DSP टिवाणा ने दस्या कि सानू अपने पिंडां ते शहरां विचों नशे वर्गे कोड नूं खत्म करन ते नौजवान लड़के लड़कियां नूं नशे दे दलदल चों बाहर कढ़न लई पुलिस दा सहयोग देना चाहीदा है। वेखो एक खास रिपोर्ट।
देशों विदेशों के नशा छुड़ाओ विश्व दिवस मनाया जा रहा है और राजपुरा के भी पंजाब पुलिस वालों अज गंडाखेड़ी थाने जिहड़ा नशा छुड़ाओ दिवस मनाया जा रहा पिंडां दीआं पंचायतां दे सरपंच पंच मुखी आम लोगों को जागरूक किया जा रहा नशे संबंधी गलबात करांगे साडे नाल डी एस पी सरताज सविंदर सिंह टवाणा मौजूद ने। सर किवें दा जिहड़ा अज उपराला किया जा रहा की कहना चाहते? अज असीं थाणा खेड़ी गंडिया विखे अपने सर्कल के जिन्हें भी मौजूद साढ़े बंदे ने उन्होंने असी नशा छुड़ाऊ दिवस के संबंध में असी इकट्ठे किया और लोगों के असी जानकारी भी हासिल की है कि जो पिछले समय दौरान असी नशे के उत्ते काम किया की इंपैक्ट पिया। बहुत अच्छी फीडबैक सानू पिंडां दे विचों लोगों ने दिती है। मैक्सीमम बंदे जिहड़े लार्ज स्केल के उत्ते जिहड़े वड्डा नशा वगैरह करते सीगे वो छड़ चुके ने, उन्हां दा ट्रीटमेंट वगैरह भी हो रहा विचों कुछ एक जिहड़े रहिंदे भी ने उन्हां दा जिहड़ा है इलाज चल रहा है। सानू पिछले तकरीबन 6-7 महीने तो पिंडां दे विचों आम तौर पर इनफॉर्मेशन आउंदी सी भी फलाना बंदा टीके ला रहा जां फलाना बंदा नशे कर रहा, असीं वो केस भी बड़े रजिस्टर कीते ने ते बड़ा वधिया जिहड़ा सीगा मैसेज लोकां दे वल्लों सानू जिहड़ा है आउटपुट सानू निकल के सामने आई है और असीं इहनू कंटिन्यू जारी रखांगे तां जो जिहड़े साडे बच्चे जां साडे नौजवान गलत रस्ते पए होए ने उन्हां नू असीं जल्दी तों जल्दी जिहड़ा है सही रस्ते ते लै आईए। लगता है कि नशा खत्म हो चुका है क्योंकि सरकार दावे कर रही है और ओपोजिशन सरकार भी यह भी कह रही ने भी नशा कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने कहा भी नशे का लक तोड़ दिया जाएगा, लगता है कि खत्म हो चुका है पंजाब? देखो मैं सारे पंजाब के बारे तो नहीं कुछ कह सकता लेकिन मैं अपनी सब डिवीजन के बारे जरूर कहूँगा। तुम्हें भी महसूस किया होना पिछले टाइम के मुताबिक तो अज का जो तुम कंपैरिजन करते हो तो असं बिल्कुल नशा समगलों का लक तोड़िया तो साढ़े तुम दसो भी फलानी था नशा विकता एक भी सानू बंदा आके गल कहे बिल्कुल खत्म हुई है चीज़ और जे कही भी जीरो टॉर है मतलब कि वह जी जीरो लैवल से कोई भी चीज़ जी है ना जो बिल्कुल जीरो लैवल से लेने थोड़ा टाइम लगता है। फिलहाल इस बुलेटिन से इन्ना ही, होर खबरों लई वेखते रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब ते साडे यूट्यूब चैनल भी सबसक्राइब करो।